नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखान। आज मैं दैनिक राशि फल ही बोल रहा हूँ, डेली राशि फल, कारण कि बहुत दिनों से दैनिक राशि फल बोला नहीं हूँ और यहाँ पर भी लोगों का ये डिमांड है कि बीच में बोल दिया कीजिए। वैसा है कि जो लोग कर्क का एनुअल प्रेडिक्शन देख रहे होंगे, थोड़ा सा आज निराश होंगे ज़रूर आप, लेकिन कल मैं आपको पूरा कर दूंगा कर्क राशि वालों का। कुछ बाकी है उसमें बोलना, लेकिन आज थोड़ा राशि फल के बारे में बताना ज़रूरी है। बहुत सारे फर्क पड़ गए हैं आकाश में भी, तो आज 21 तारीख है, रविवार, और 2018 संवत 2074 माघ महीना शुक्ल पक्ष रविवार चौथी तिथि है। आज चौथी तिथि शुक्ल पक्ष में जब पूजा होती है तो ये लगभग गणेश जयंती सी होती है। ये श्री भगवान श्री गणेश जी का पूजन उसमें होता है, इसको विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं, वरद चतुर्थी भी बोलते हैं। और आज के दिन पंचक भी लगा हुआ है। आज का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रा। इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु, इस कारण आकाश के तीन ग्रह मंगल सूरज और केतु थोड़े डिफेक्टिव हो गए। तो मंगल के तीन नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, वृक्षराज, चित्रा और धनिष्ठा, उन लोगों के लिए आज का दिन 10% कमजोर हुआ। और सूरज के तीन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, भरनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उनके लिए 20% आज का दिन खराब हुआ, कमजोर हुआ। और जिनका जन्म केतु के तीन नक्षत्र में है, अश्वनी, मघा और मूल, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए समय 30% कमजोर हुआ। तो नक्षत्र वाइज जैसा मैं बोलता हूँ समझ लीजिए, कारण कि हर राशि वालों के लिए अलग अलग रिजल्ट पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मंगल यदि आपके फेवर में है तो दिन आपके 10% भी यदि कमजोर है तब भी ये चलेगा। बुध आपके कुंडली में अच्छे नक्षत्रों से पास कर रहा है या सूरज आपके कुंडली में अच्छे नक्षत्र से गुजर रहे हैं, बल है इसमें, तब भी जो 20% हमने कहा कमजोर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और केतु यदि आपकी कुंडली में शुभ है और अभी भी शुभ नक्षत्र से गुजर रहे हैं तब भी ये 30% जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन ये मान करके चलिए कि आज के दिन मंगल सूरज और केतु थोड़े कमजोर पड़ गए, इसमें जिनका जन्म नक्षत्र पड़ता है उन लोगों के लिए समय कमजोर ही रहेगा। और आज आकाश में चंद्रमा कुंभ राशि में है, धनु राशि में है। धनु राशि वायु तत्व है, वायु में चंद्रमा है, 11 नंबर में मैंने रखा है। तो 11 नंबर में चंद्रमा है और आज भर पूरे दिन ये रह रहे हैं। और कल शाम को 6:25 में ये मीन राशि में चले जाएंगे। तो जब तक चंद्रमा वायु तत्व में है
तब तक मौसम भी थोड़ा अनुकूल ही रहेगा। हवा बहने के कारण जो ठंडक होगी वो तो होगी, लेकिन इसमें वो बीटरनेस नहीं होगा, काटने वाली बात नहीं होगी। तो मेष राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा एक नंबर में है, वो मेष राशि वाले हुए, मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में है, गेन के भाव में है, और चंद्रमा आपके सुख का लॉर्ड हुआ, सुख के घर में राहु है, तो बड़ा मिस्टीरियस वे से मेष राशि वाले लोग आज कुछ प्राप्त करेंगे, रहस्यमय ढंग से कुछ प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या मैं यूं करता हूं, यदि वो कोई ज्ञानी है, आप अध्यात्म है, कोई महात्मा आपके दरवाजे पर उपस्थित हो सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हो तो कठिन से कठिन विषय आज समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। व्यापारी हैं तो रहस्यमय ढंग से कुछ पैसे आएंगे, धन कमाओगे आप। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में काम करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा, जनता जनमानस के जरिए वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और ये सभी प्रबुद्ध नागरिक नहीं होंगे, मीडियोकर और अशिक्षित नागरिकों के जरिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो ये निर्भर करता है कि ये मेष राशि वाले किस स्थिति के हैं, लेकिन अमूमन 10th हाउस में सूरज शुक्र और केतु होने के कारण जो भी काम जहां भी आप कर रहे होंगे, कार्य क्षेत्र में कुछ निराशा या कमजोरी या दुख की स्थिति बनी रहेगी। 9th हाउस में शनि है, बड़े बुजुर्गों के प्रति ध्यान रखिए। वैसे इतना तो जरूर है कि भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर में है, और आपका शरीर अष्टम भाव में चला गया है, 8 नंबर में चला गया है, तो 8 नंबर में चले जाने के कारण मेष राशि तो बलवान हो गया, मतलब आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा तो ठीक है, रह गई, लेकिन मंगल 8 नंबर में गए तो नाभि से नीचे का क्षेत्र, जैसे बटक्स है पीछे का हिस्सा, वहां जांग में, इन सब क्षेत्रों में थोड़ी समस्या आ सकती है, सावधान रहेंगे मेष राशि वाले। भूमि जो पानी से ढकी हुई हो, एग्रीकल्चरल लैंड, या कुछ ऐसा पोखरा है, तालाब है, जो जिसमें पानी हो, मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जिनको रोज का पाला पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ी सी झंझट की बात दिखती है। अतिक्रमण के कारण आप किसी का जमीन दखल कर लें या कोई दूसरा आपका जमीन दखल कर ले, तो उसमें थोड़ी सी पंचायत हो सकती है, झंझट हो सकती है। लेकिन 7th हाउस में गुरु है, दाम्पत्य सुख ठीक ठाक है आपका। 4th हाउस में राहु है, घर के अंदर में अशांति तो जरूर है, और चंद्रमा भी 11th हाउस में शनि के घर में होने के कारण थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, मन में कहीं न कहीं अज्ञात भय रहेगा, लेकिन ये व्यर्थ का अज्ञात भय है, ये चंद्रमा आपको कुछ दे ही रहे हैं, ये तय है। तो मेष राशि वालों के लिए दिन आज लगभग 80 पैसा अनुकूल है दिन आपका। वृषभ राशि, 7th हाउस में मंगल है, दाम्पत्य सुख को ठीक रखिए, बना करके रखिए। 3रे में राहु है, मर्यादा बढ़ रही है आपकी, विचित्र ढंग से, जैन केन प्रकारे न, रहस्यमय तरीके के द्वारा भी ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। विजातीय लोगों के कांटेक्ट में आने के कारण भी, एमएनसी में भी जो लोग नौकरी करते हैं उनके कारण भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लेकिन छाती में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, वृषभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। यहां से 6ठे घर में गुरु हैं, समस्याएं घट रही हैं, शत्रु शांत हो रहे हैं। अष्टम में बुध और शनि है, आयु सुरक्षित है, लेकिन
बुध परेशान है, स्किन परेशान है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, या खेल कूद में बंधु बांधव के जरिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बुध को खेल कूद करने वाला बालक बोलते हैं, या मैदान बोलते हैं, माठ, खेलर माठ, मैदान भी बोलते हैं। तो वृषभ राशि वाले इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं तो व्यर्थ का झंझट मोल मत लीजिए, सभ्यता और शिष्टाचार के अंदर में ही रहिएगा। यदि आप व्यापारी हैं तब भी, खास करके लोहे के व्यापारी हैं, तो आप गेन हो सकता है आपका, शर्त यही है कि आप तपाकी से या जल्दी से कुछ आंसर मत दे दीजिए किसी को, समझ के बोलिए, नहीं तो लॉस हो जाएगा। या कोई एग्रीमेंट कर डालेंगे तो वो गलती हो जाएगा, आज एग्रीमेंट के लायक दिन नहीं है। यहाँ से नवम भाव में सूरज शुक्र केतु हैं, बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का इज्जत करना सीखे तब तो शांति रहेगी, उनके आशीर्वाद की आपको जरूरत है। टेंथ हाउस में चंद्रमा है, कहीं न कहीं एक विजातीय लोगों से आपकी परेशानी हो सकती है, लेट डाउन ऑफ योर पर्सनैलिटी, ये पॉसिबल है। तो थोड़ी विनम्रता से ही पेश आइए, यदि आपके सगे संबंधी या बॉस या कलीग्स ऐसे हों तो थोड़ा आपको डिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो वृषभ राशि वालों के लिए समय लगभग 75 पैसा अनुकूल है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं जो डायरेक्ट इस घर को देख रहे हैं, और शनि भी, बुध के मित्र शनि भी देख रहे हैं, तो मिथुन राशि आज बलि हो गया। जो लोग मिथुन राशि के हैं आज का दिन आपके लिए बलि हो गया, यू आर लक्की। कारण कि यहां से 7, 8, 9 नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है, नाइन्थ हाउस में चंद्रमा शुभ होते हैं, अनुकूल होते हैं, तो भाग्य भी आपके अनुकूल है। मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, बोली थोड़ा मीठा बोलिए। सेकंड हाउस में राहु आ गया, पंचम भाव में गुरु है, बच्चों के प्रति थोड़ी चिंतन अवश्य कीजिए, गुस्सा ना हो, झंझट ना हो, झगड़ा ना हो, डांट फटकार नहीं हो, इनके स्वास्थ्य की फिक्र कीजिए मिथुन राशि वाले। और आपका 7, 8 अष्टम भाव में सूरज शुक्र केतु है, ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए अपने पैरों पर आपको हिफाजत करने की जरूरत है, नंबर वन। नंबर टू, आप किसी भी सरकारी पदाधिकारी या उच्च पदाधिकारी से व्यर्थ का झंझट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी समय 75 से 80 पैसा अनुकूल है। कर्क राशि में राहु है, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि राहु प्रसन्न है, राहु इज बिकम ए वेरी गुड प्लैनेट हियर, सो आपको विजातीय लोगों से, जो दूसरे धर्म के अवलंबी हैं, ऐसे लोगों से आपको लाभ मिलेगा, उनसे संपर्क होगा तो भी लाभ मिलेगा आपको, उनसे झगड़ा होगा तब भी लाभ मिलेगा आपको, लेकिन आपकी छाती थोड़ी कमजोर हो सकती है। चंद्रमा को आंख बोलते हैं, आंख भी कमजोर हो सकता है, खास करके बायां आंख। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए घर के अंदर में सुख है, बच्चों के प्रति ध्यान दें, समस्याएं आपकी घट रही हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको मिठास डालने की जरूरत पड़ेगी। और अष्टम में चंद्रमा आ गए, चंद्रष्टम लग गया आपका, और 8, 9, 10, 11 में कोई ग्रह नहीं है, तो चंद्रष्टम है ये सत्य है। तो जिस चीज से आपको भय हो रहा है वो भय सत्य है, भय है, डरने की जरूरत है, मतलब आपको जिन चीजों का भय हो रहा है उसके प्रति आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, नहीं तो समस्या खड़ी आ सकती है। अब चंद्रमा वायु में है, शनि के घर में है, तो श्याम वर्ण के लोगों से झंझट है, श्याम वर्ण के थोड़े से दुबले पतले लंबे लोग हैं तब भी आपको उनसे झंझट है,
भगवान हनुमान के प्रति आप यदि अवमान ना करेंगे, उनके प्रति आपकी निष्ठा घट जाएगी, या चलो आज नहीं पूजा करते हैं कल कर लेंगे, तब भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए समय आज थोड़ा कमज़ोर है, 70 पैसा से ऊपर दिन अच्छा नहीं है, 30 पैसा कमज़ोर है, 70 पैसा ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिंह राशि के स्वामी सूरज होते हैं, और यहाँ से सूरज 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर में चला गया। छठा घर होता है शत्रु का, छठा घर होता है रोग का, छठा घर होता है कर्जा का। तो सिंह राशि वाले लोग ध्यान रखेंगे, ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन से आप झंझट मोल लेंगे, ना तो पत्नी से आप झंझट मोल लेंगे, और न किसी भी व्यक्ति से जिसका सिर बड़ा है उससे आप झंझट मोल लेंगे, समस्या आ जाएगी। लेकिन ये 3 ग्रह जो आपके यहाँ से छठे घर में बैठे हुए हैं, ये बोलते हैं कि आपकी समस्या या शत्रु या आपके प्रॉब्लम्स स्वतः धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे। कारण कि सूरज तो यहाँ पर अभी 12 फरवरी तक रहेंगे, तो ये सूरज आपको बिल्कुल बहुत मदद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प तो जरूर मिलेगा, इसलिए इनसे झगड़ना नहीं है। और चंद्रष्टम है, ये कुंभ राशि में पड़ा, तो आपको पैर का निचला हिस्सा जो आपके पैर के करीब है, टांग का निचला हिस्सा जो पैर से सटा हुआ हो एक बित्ता ऊपर, वो खतरे में पड़ा हुआ, वो डेंजर जोन में पड़ा हुआ है, वहाँ चोट ना लगने दें, फिसलने ना दें पैरों को। मैं सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। और राहु आपके द्वादश भाव में है, तो व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की परेशानी, झंझट की बात आती है, इसलिए अभी आप थोड़ा सा लाई लो, थोड़ा सा आप अपने को लाउड मत कीजिए, आगे मत बढ़ाइए, अपने को प्रोजेक्ट मत कीजिए, कहीं झंझट में पड़ जाइएगा, शांत रहिए। आपका समय भी 70 पैसा ही अनुकूल है। कन्या राशि, इसके स्वामी, कन्या राशि के स्वामी 1, 2, 3, 4 घर में हैं, सुख के घर में हैं, शनि जो दुख का कारक है उनके साथ, लेकिन बुध और शनि मित्र होने के कारण सुख दुख एक साथ आ गए आपके घर के अंदर में। तो कन्या राशि वाले लोग अपने घर के अंदर झांकिए, कहीं थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई दुख छुपा हुआ है, या मनोमालिन्य छुपा हुआ है, या कोल्ड वार छुपा हुआ है, थोड़ा सा मन को नरम कर लीजिए, अपने से पहल कर लीजिए घर के लोगों से मिठास बढ़ाने के लिए। तो आपका ये बुध जो आपका 4th हाउस में शनि के साथ है, उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। बी पोलाइट। 2nd हाउस में गुरु है, वाक चातुर्य और ज्ञान के जरिए आप अपना विकास पूरा कर सकेंगे। जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोग वकील हैं, जो जज हैं, जो टीचर्स हैं, जो लेखक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए तो समय बहुत बढ़िया है, ये गुरु धन दे रहे हैं। 3रा में मर्यादा आपका मंगल का है, 3रे घर में आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जीत होगी, आप बली होंगे, सक्सेस इज योर्स बाय डिंट ऑफ योर ओन पावर, इंटेलेक्चुअलिटी, आपका सामर्थ्य, आपका व्यक्तित्व के कारण अगला आपसे प्रभावित होकर के हार मान लेगा, ऐसी स्थिति है। तो इंटेलेक्चुअल लोग जिस क्षेत्र में हैं, आज आपकी जय जयकार है, सक्सेस रेट बहुत आई है आपका। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 घर में सूरज, शुक्र और केतु है। जो बालक, जो बच्चे आपके घर में हैं, उनकी देखरेख जरूरी है। केतु के कारण ये दिखता है कि कहीं चोट लग जाए, बच्चे के हाथ में गाड़ी मत दीजिए, मोटरसाइकिल मत दीजिए, कार मत दीजिए, झंझट हो सकता है आज। बच्चों को बोलिए थोड़ी संयम बरतें और दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें, खास करके दक्षिण दिशा की यात्रा जो नदी के किनारे हो या पानी के किनारे हो, उधर ना जाए, नहीं तो एक्सीडेंट होने का भय है।
कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, छठे घर का चंद्रमा समस्या खत्म कर रहा है। बहुत सारे कोर्ट केस आज खत्म हो सकते हैं, आज तो संडे है, लेकिन यदि जजमेंट घर में बैठ करके जज लिख रहे होंगे तो आपके फेवर में जा रहा है। और 11th हाउस का राहु ये भी अनुकूल है आपका, सो कन्या राशि वालों के लिए दिन 85 से 90 पैसा अनुकूल है। तुला राशि में स्वयं गुरु हैं, ग्रह राज गुरु तुला राशि में हैं, यद्यपि इनका शत्रु शुक्र का ये घर है, शुक्र दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, और जुपिटर गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के घर में पधार गए। अब एक इंटेलेक्चुअल, एक यूनिवर्सिटी का वीसी दूसरे यूनिवर्सिटी के वीसी के घर गया, तो गरिमा तो दोनों की बढ़ी, दोनों की गरिमा बढ़ी, जाने वाले की भी गरिमा बढ़ी और जिसके घर गए वहां भी गरिमा बढ़ी, उनकी भी गरिमा बढ़ी। तो इंटेलेक्चुअली आपकी कदर बढ़ रही है आज, सिर्फ आपको बोली विनम्र करना है। सेकंड हाउस में मंगल है, आग है, क्रोध नहीं है, बोली में पोलाइटनेस होना चाहिए आज, तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। थर्ड हाउस में बुध और शनि है, फिर ये बुध जो है वाणी को रिप्रेजेंट करता है, शनि दुख को रिप्रेजेंट करता है, तो दुख तभी उपजेगा जब आपकी बोली में मिठास नहीं होगी, शालीनता नहीं होगी। तुला राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, चौथे घर में सूरज शुक्र और केतु हैं, सूरज के विपरीत ग्रह शुक्र हैं और केतु भी हैं, लिहाजा तुला राशि वाले लोग भी ध्यान रखें, आपके घर में भी थोड़ी अशांति दिख रही है। और यहां से 1, 2, 3, 4, 5वें का चंद्रमा है, बच्चे के लिए थोड़ा सा सुखद समय जरूर है, लेकिन यदि बच्चे लंबे हैं, दौड़ धूप करते हैं, एथलीट हैं, तो पैरों में कष्ट होने का डर है, चोट लगने का डर है। और 10th हाउस में राहु है, कार्य सफलता का योग है, सक्सेस रेट बहुत हाई है आपके काम करने का, लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ हैं, जैसे 4 नंबर को हम लोग छाती बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो ए कोर मटीरियल। तो कार्य क्षेत्र में जो काम आप कर रहे हैं उसके जो मुख्य बिंदु जो है उसको आप इग्नोर मत कीजिए कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, हो सकता है उसी काम के कारण आपकी मान हानि हो जाए। तो तुला राशि वालों के लिए ये जरूरी है कि पूरी दक्षता के साथ आज अपने काम को निभाएं। ऑफिस नहीं है, लेकिन जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उन सबों के लिए विशेष बोल रहा हूँ, और जो लोग घर में बैठ करके काम करते हैं उनके लिए भी ये बात है कि बी वेरी वेरी अटेंटिव टू योर सब्जेक्ट्स एंड योर वर्क जोन, और घर में भी शांति बना करके रखें आप। तो तुला राशि वालों के लिए भी समय लगभग 75 से 80 पैसा अनुकूल है। वृश्चिक राशि मंगल इसमें अकेले हैं और बलि हैं, स्वग्रही हैं, स्वग्रही होने के कारण मंगल बलि हो गए, वृश्चिक राशि बलि हो गई, बलवान हो गए, सामर्थ्यशाली हो गए, लेकिन दंभ ना करें, दंभ करने के लायक नहीं है, शालीनता बरतने के लायक हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग शालीनता बरत रहे हैं, अहंकार नहीं दिखा रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, आपकी बोली में थोड़ी मिठास होनी चाहिए। तीसरे का सूरज शुक्र और केतु ये आपके पर्सनैलिटी को राइज कर रहा है, और यहाँ से चौथे का चंद्रमा भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। चंद्रमा आपके सुख के घर में, घर के अंदर, द हाउस वेयर यू लिव इन, उस घर में भी प्रकाश डाल रहे हैं, मिठास डाल रहे हैं, शीतलता डाल रहे हैं। सो कोई विजिटर्स आ रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको तरीके से शालीनता के साथ उनका स्वागत कीजिए। यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, यू आर नॉट लूजर। अभी एस्ट्रोलॉजी में बढ़िया नहीं माना गया है,
जनरली राहु कोर्ट केस को इंडिकेट करने लगते हैं, लीगल मैटर्स को इंडिकेट करने लगते हैं, धोखा को इंडिकेट करने लगते हैं, छल कपट प्रपंच को इंडिकेट करने लगते हैं, और विजातीय लोगों से हानि की बात आ जाती है। तो देखिए इतनी बातें मैंने कहीं, रोज रोज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वृश्चिक राशि वाले ये लोग समझ लीजिए, आपका समय अगले 12 से 15 महीने तक समय आपका धोखा का भी है, छल कपट का भी है, कोर्ट केस का भी है, लीगल मैटर का भी है, अरेस्ट हो जाने वाला भी है। तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए ये ध्यान रखें। लेकिन यदि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं तो आज आपकी मर्यादा बढ़ रही है, ये सच है। इसलिए कि मंगल स्वग्रही आप ही के घर में, आप ही का ग्रह बैठ करके आपको ताप दे रहा है, गर्मी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। मंगल ऊर्जा को बोलते हैं। तीसरे घर का सूरज शुक्र भी सब कुछ दे रहे हैं। 7-8 नवम का राहु हो गया, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन 85 से 90 पैसा अनुकूल है। इसलिए कि आज आप प्रशंसा के पात्र हैं, ऊर्जावान हैं, शक्ति सामर्थ्य वाले हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। प्यार से मंगल को अग्नि बोलते हैं, तो तीखापन से नहीं, मिठास ला करके आप कर सकते हो। वृश्चिक राशि वाले बोली मीठी। धनु राशि, इसमें शनि है, भगवान रामचंद्र हैं, खुद बैठे हुए हैं, बुद्ध है उनकी प्रेयर, तो धनु राशि वाले लोग भगवान राम का राम रक्षा स्त्रोत पढ़िए, ईश्वर तो आपके साथ खड़े ही हैं। सेकंड हाउस में सूरज शुक्र केतु है, तो धन की कुछ समस्या हो सकती है, या बोली के कारण, आपके बोली के कारण कुछ अदावत झंझट हो सकता है, थोड़ा संभाल करके बोली बोलिए। तीसरे का चंद्रमा शुभ नहीं होता, ये थोड़ा अशुभ हो गए हैं, मन में थोड़ी सी कहीं आशंका, कहीं भय, कहीं चिंता रहेगी, कारण कि जो आपके लग्न में जो शनि आए हुए हैं उन्हीं का ये ग्रह है, और शनि की अपनी दृष्टि भी पड़ रही है, तो धन आ सकता है, मर्यादा बढ़ सकता है, वो आपको ईश्वर खुद मदद कर रहे हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ करके व्यर्थ का अपने सब का दुरुपयोग ना करें। आप इसी धनु राशि से 7-8 में राहु हैं, इन्फेक्शन से बचें, जंघा और बटक से चोट ना आए, ये ध्यान दें आप। 11th हाउस में गुरु हैं, आपका ज्ञान, गरिमा, धन, मान, मर्यादा, रुतबा के कारण ये बढ़ेगा, हानि नहीं हो सकता। और द्वादश भाव का मंगल जमीन जायदाद, मिनरल्स, माइंस, इस सब को लेकर के कुछ खर्चे करा सकते हैं जो शुभ होंगे, अशुभ नहीं होंगे। तो धनु राशि वालों के लिए भी समय लगभग 85 से 90 पैसा जरूर अनुकूल है। मकर राशि में सूरज हैं, मकर राशि शनि का होता है, उसमें सूरज हो गए, तो दोनों विपरीत हुए, बाप पिता पुत्र हुए, और दोनों में मतभेद है, तो बहुत सारे मैटर में आपके साथ कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, मकर राशि वाले लोग, मैं खुद मकर राशि का हूं इसलिए बोल रहा हूं, सावधान रहिएगा। केतु चोट लगने की बात भी बोल रहे हैं, तो जो लोग आज मेरी राशिफल सुन करके, कर्क राशि वाले जो आज नाराज हो रहे होंगे, मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, मैं कल आऊंगा, तो कल संडे है, परसों आऊंगा तो जरूर बोलूंगा, फिर सॉरी कल ही आऊंगा मैं, फिर बता दूंगा आपको। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा विशेष सोचना पड़ता है, कारण कि आपके मूड्स जो है वो 16 मूड्स होते हैं, कल मैंने बताया था, और कर्क राशि के अंदर में तीन ग्रह आ जाते हैं, तीन नक्षत्र आ जाते हैं। इस कर्क राशि के जो तीन नक्षत्र हैं, इसमें पुष्य है, पुनर्वसु का एक चरण है, और आश्लेषा है, तीनों के नेचर अलग अलग हैं, और उधर 16 मूड्स हैं, तो ये थोड़ा सा
ये बड़ी विशाल बात हो जाती है, छोटी बात नहीं है, इसमें पूरा ज्योतिष का भंडार छुप गया है। तो थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा, आज मानसिक रूप से मैं उतना स्वस्थ नहीं हूं, इसलिए जानबूझ करके आज कर्क राशि के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँ, कारण कि डीप पेनिट्रेट करने में थोड़े हमको समय लगेगा, आज उतना हेल्दी नहीं हूँ मेंटली मैं। तो मकर राशि वालों के लिए समय ठीक है, सिर्फ आप अपने दाम्पत्य जीवन को मीठा बनाए रखिए, और ये आपको प्रयास पूरा एक साल करना है, और पार्टनर से झगड़ा ना करें, नहीं तो पार्टनर धोखा दे देंगे। कोई भी एग्रीमेंट इस साल पार्टनरशिप के साथ कर रहे हो तो पूरा छानबीन करके, बांध करके, एकदम करेक्टली, बिना मुरव्वत के कोई भी इमोशन को साथ में, मतलब किए मकर राशि वाले एकदम ठोक ठठाक के, जिसको बोलते हैं ना करेक्ट करेक्ट, तो 100% करेक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल वर्क डन, ऑल पार्टनर्स, किसी के साथ कोई मोह माया नहीं, ढंग से काम कीजिए तो सफल होइएगा, नहीं तो फिर कोर्ट केस वगैरह झंझट चला आएगा। तो मकर राशि थोड़ा सावधान रहें, समय आपका मुश्किल से 75 से 80 पैसा अनुकूल है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम भाव में आ गए, अष्टम मृत्यु को बोलते हैं। तो आज आपका ग्रह आपके स्थान से आपकी मृत्यु के घर में ढुक गया, मतलब आयु तो सुरक्षित हो गई, गुरु जो है वो ज्ञान है, अमृत है, धन है, शक्ति है, सामर्थ है, विवेक है, लेकिन शरीर को कमजोर कर दिया। जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं वो तो मिलेगी आपको, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा ज्ञान ही मिल जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट है ये, लेकिन जो स्थूल चीज है, जो शरीर है, वो थोड़ा कष्ट में रह सकता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है, और हमारे ऐसे वृद्ध हैं, तो आई थिंक यू नीड ए डॉक्टर टुडे, ध्यान रखिएगा, थोड़ी भी कुछ कष्ट लगे तो डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा, और कोई भी दवा अपने से ना बढ़ाएं, ना घटाएं, ना लगाएं, समस्या हो जाएगी मीन राशि वालों को। कारण कि यहाँ से नवम में फिर मंगल है, आग है, भाग्य में कुछ बड़ी घटना दुर्घटना की जैसे हो सकती है। 10th हाउस में बुध और शनि है, आपकी बोली फिर तीखी हो जाएगी, अचानक झगड़ पड़ेंगे आप। और 11th हाउस में सूरज शुक्र केतु है, ये गेन है, पापक ग्रह 11th हाउस में शुभ होते हैं, तो सूरज ठीक है तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके फेवर में है, शुक्र ठीक है तो जितने मैकेनिकल ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो लोग अकाउंटेंट हैं, CA हैं, सबों के लिए समय अनुकूल है, जो मीन राशि के हैं उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ। और हर वो लोग जो छल कपट प्रपंच करते हैं, धोखा देते हैं, उनके लिए समय ठीक नहीं है, वो गलत फंस जाएंगे। जैसे कुंभ राशि में चंद्रमा है, छूट गया मैंने बोला नहीं, कुंभ राशि में चंद्रमा पहले से है तभी आप कुंभ राशि हो, और आज कुंभ राशि में चंद्रमा ढुक भी गए तो आज आपके राशि में दो दो चांद हैं कुंभ राशि वाले लोग। एक तो जो आपके जन्म के समय में भगवान ने आपके भाग्य में प्रारब्ध में लिखा था वो चंद्रमा, और आज आकाश में घूमते घूमते चंद्रमा आ गए इसी कुंभ राशि में, तो आपके राशि में दो दो चंद्रमा आज आ गए। और चंद्रमा का मतलब आपके कुंडली में, कुंभ राशि के कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाव को बोलते हैं, इसमें शत्रु रहते हैं, इसमें कर्जा रहते हैं, इसमें रोग रहते हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं उनका तो बल्ले बल्ले, उनका तो समय बहुत बढ़िया है। जो व्यापारी हैं, जो कर्ज देते हैं लेते हैं, बहुत बढ़िया, हॉस्पिटल वाले ठीक हैं। जिन लोगों का व्यापार सिक्योरिटी का है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, जो ऑर्गेनाइजेशन बना के रखते हैं दरवान और सुरक्षा के लिए जो लोग देते हैं वो ठीक है। जो लोग आर्मी में हैं, सिपाही में हैं, पुलिस में हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में हैं, उनके लिए भी, और कुंभ राशि के हैं तो समय ठीक है आपको। लेकिन जो सामान्य जनमानस है, मेरे ऐसा साधारण नागरिक हैं आप, तो थोड़ी सी आज आपको बाधा पहुंच सकती है। लग तो आपका बहुत बढ़िया है, मैं बार बार बोला हूं, अभी कुंभ राशि के लिए जय जयकार है,
स्वयं भगवान रामचंद्र या शनि खुद मदद करने जा रहे हैं आपको। तो करना सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर ही कि दो दो चांद आ गए और अभी का जो चांद आए अपने साथ राहु भी लेके आए, धोखा भी लेके आए, छल भी लेके आए, कपट भी लेके आए, विष भी लेके आए। तो एकदम छोटी सी बात कहूँ, कुंभ राशि वाले लोग आज जो बाजार में जो चीज भी खरीदेंगे ठगे जाएंगे, समझ लीजिए मैं एकदम लोएस्ट लेवल से बात बोल रहा हूँ। तो आज कोई परचेजिंग नहीं करनी है, ये करनी नहीं है, कोई नई दवा शुरू नहीं करनी है, किसी से अदावत झगड़ा कर्जा नहीं लेना है, आप कर्जा लेंगे तो झंझट होगा, पुराना कर्जा लिए हैं और लौटाने जा रहे हैं तो उसमें भी झंझट हो जाए कि नहीं इतने पैसे बनते हैं हमारे, ये ब्याज हो गया वो हो गया, उसके लिए झंझट हो जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज और कल का भी दिन संध्या तक समय नहीं है, ठीक शांत शांत और सिर्फ शांति के साथ ईश्वर के साथ हनुमान जी के साथ अपना समय बिताएं। जब भी कुछ भी काम करें श्री हनुमते नमः हंग पवन नंदनाय स्वाहा, बिल्कुल समय आराम से पार हो जाएगा। तो ये राशिफल की बात हुई। देश दुनिया झारखंड के लिए चंद्रमा 7, 8, 9 नाइन्थ हाउस में है, झारखंड के लिए भी दिन अच्छे नहीं है। आज चंद्रमा यहाँ पर शनि के घर में है, शनि में काली माँ होती है, तो झारखंड के लिए थोड़ा सा आई विल से इट इज नॉट ए वेरी लक्की डे। और भारतवर्ष के लिए 7, 8, 9, 10 टेंथ हाउस में चंद्रमा है, कर्म क्षेत्र में चंद्रमा है, और भारतवर्ष के लिए ये कर्म का चंद्रमा पराक्रम के साथ है। तो आज बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें भारत विजयी होगा, चाहे वायु क्षेत्र के झंझट हो, चाहे जमीन के हो, चाहे आकाश के हो, चाहे लीगल मैटर्स हो, सो बहुत सारी चीजें होंगी, सफल होंगी। झंझट सिर्फ एक है, वो ये है कि गुरु जो हमारे संविधान को बोलते हैं, रूल रेगुलेशन को बोलते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 संविधान आज शत्रु के घर चला गया। लकीली आज संडे है, अन्यथा यदि कुछ बैठक होती, कुछ मीटिंग होती तो काफी झमेला होता। संविधान से संबंधित बहुत सारी चीजें तोड़ मरोड़ी जाती आज। अब बैक ऑफ द वॉल क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के दिन की बात ही मैं बोल रहा हूं। सो दिन भारतवर्ष के लिए भी उतना अच्छा नहीं है अपने आंतरिक स्थिति के कारण, बाह्य स्थिति के कारण, स्थिति के कारण कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। तो राशिफल में, दैनिक राशिफल में आज यहीं तक, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए मैं ये बात बोल देता हूं कि देखिए कर्क राशि, एक राशि में तीन नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी समझ लीजिए मेष राशि है आपका, तो उसमें तीन नक्षत्र हुए, पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका। तो पहला जो 13 डिग्री 20 मिनट है, यदि उसमें आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर की प्रतिभा बहुत बड़ी है। यदि आप 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में जन्म लिए हैं उसी मेष राशि में, तो आपका ओरिएंटेशन डेंजर जोन में भी है, इसलिए कि इसके मालिक यम हो जाते हैं। तीसरा नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट का है, वो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण है। कृतिका का मतलब होता है अग्नि, सूरज इसके लॉर्ड है, तो आपकी प्रतिभा दूसरे ढंग की होगी, आपका तीखापन दूसरे होगा, आप सूरज के समान उदयमीन और तीखे हो सकते हैं। मेष राशि है, नेचर बदल रहा है, अश्विनी का, डॉक्टर का, दूसरा यमराज का, तीसरा अग्नि का, अग्नि तत्व,
तो एक राशि में जन्म लिए हुए हर आदमी का समान रीडिंग नहीं हो सकता, इसलिए नक्षत्र देखा जाता है। केतु का अश्विनी नक्षत्र माने केतु का नक्षत्र, वो आदमी गढ़ने वाला है, दूसरे को उसकी बोली अच्छी नहीं लग सकती है, उसके व्यवहार अच्छे नहीं लग सकते हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा डिटेल बता दूंगा कर्क राशि वालों का आऊंगा, तो जो नहीं कर सका उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं फिर बोल देता हूँ, मैं राशिफल भी बोलता हूँ तो उसमें एनालिसिस के साथ बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा होगा। क्यों आप मेरी बात मानेंगे, मैं भगवान तो हूँ नहीं, तो एनालिसिस के साथ बोलता हूँ। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, कारण कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केतु के बारे में बताइए, राहु के बारे में तो आपने बता दिया, केतु के बारे में तो बताया नहीं। सत्य है, मैं केतु के बारे में नहीं बताया, बता दूंगा मैं उसके बारे में भी बताऊंगा और डिटेल में ही बताऊंगा, जैसे राहु का बताया वैसे केतु का भी बता दूंगा। लेकिन चूंकि राहु एक निगेटिव ग्रह है, उसके कारण छल कपट प्रपंच धोखा की बात थी, इसलिए उसकी दृष्टि स्थिति सारी चीजों को गुरु और शनि से जोड़ करके मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि मिथुन राशि और कुंभ राशि बहुत बली है। किसी ने कहा कि आप 2, 5, 3 और 6, 11 के बारे में बोल रहे हैं, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो वो उसका उत्तर ये है, जो जिन्होंने पूछा है आप समझ लीजिए, नाम बोल रहा हूँ सॉरी, कि ये तीन ग्रहों को यदि पकड़ा जाता है, गुरु को, शनि को और राहु को, तो कुंभ राशि में 200% स्ट्रेंथ हो जा रहा है और मिथुन राशि में भी 200% स्ट्रेंथ हो जा रहा है, बकिए में 200% से नीचे है। वृषभ राशि में स्ट्रेंथ बहुत घट जा रहा है, नहीं के बराबर, मुश्किल से पास मार्क 33% और 45% स्ट्रेंथ है। वही स्थिति सिंह राशि में है, आपके अंदर में भी स्ट्रेंथ की कमी है। तो अभी तो इलेक्शन का दिन आ रहा है, आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, आपको बहुत चेष्टा करना पड़ेगा, और जो सिंह राशि हैं आपको भी बहुत चेष्टा करना पड़ेगा, पॉलिटिकली इवन टिकट पाने में भी। तो थोड़ा बोला अधिक समझ लीजिए, कारण कि एक एक क्षेत्र की बात तो नहीं बोली जा सकती है। जैसे जो लोग जेल यात्रा करेंगे इस साल, अधिकांश लोग वृषभ के भी हो सकते हैं और सिंह के भी हो सकते हैं, तो सिंह के ज्यादा होंगे, इसलिए कि यह द्वादश भाव में पड़ेगा सिंह से, तो द्वादश भाव खर्चे का होता है। जो लोग फाइनेंशियल गड़बड़ी करेंगे ऐसे लोग जेल जाएंगे, ऐसे लोग जेल यात्रा करेंगे, आनंद से करेंगे, उनके पास कोई चारा नहीं होगा। तो केतु का जो बोलूंगा, तो केतु मोक्ष का ग्रह है, वो आपको कितना कल्याण कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। और ये एक्सटर्नल इंजुरी का ग्रह है केतु, केतु इज ए एक्सटर्नल इंजुरी प्लैनेट, फोड़ा फुंसी ऑपरेशन से सबको इंडिकेट करते हैं। तो अभी केतु 10 नंबर में है, इट इज इन द लेग जोन, इट इज इन द साउथ जोन, दक्षिण दिशा में यह हानि कर रहे हैं, भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में और मनुष्यों के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, आज यहीं तक। इति शुभम तहन दो निनाग्य जोहार।